नमस्ते सूरत। मैं मुझे पहले पहले बात करनी है जो इस वहां पर जन औषधि केंद्र दुकान चलाते हैं, जो दवाई बेचते हैं, ऐसे कोई सज्जन हो तो मेरे पहले उनसे अनुभव जानना है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आज से 3 साल पहले एक्चुअली मैं मार्केटिंग का धर्मेश शाह। हाँ धर्मेश शाह मेरा हाँ, नाम है। हाँ बताइए सर। आज से 3 साल पहले मैं मार्केटिंग में जॉब करता था, लेकिन उसके बाद में फिर मेरी जॉब नहीं रही और 2 साल पहले मुझे इस योजना के बारे में पता चला और मैंने अप्लाई करके ये स्टोर लिया। मेरे मित्र के सहयोग से मैंने ये स्टोर शुरू किया था सर। मेरे पास और कोई काम तब नहीं था, लेकिन आज 2 साल के बाद लोगों का मुझे इतना सपोर्ट मिला कि आज गुजरात में मेरा नंबर 1 स्टोर है और आज हमारे यहाँ और 4 लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। तो न सिर्फ मुझे काम मिला, लेकिन मेरे यहाँ पे और 4 लोगों को, जिसमें 3 फार्मासिस्ट है, मेरे पार्टनर भी मेरे साथ में है और एक भी और भाई साहब है, तो हम लोगों सबको ये काम भी मिला। तो हमारे लिए तो सर ये योजना आशीर्वाद रूप है। लोग, तो उसके लोग लिए आपके यहाँ जो दवाई लेने आते हैं उनको, उनके मन में सवाल नहीं होता है कि बाजार में तो दवाई 10 रुपए में मिलती है, तुम तो 3 रुपए में बेचते हो, तो तुम्हारी दवाई तो सही नहीं होगी, गलत होगी, झूठी होगी, ऐसे लोग नहीं करते हैं। अच्छा सपोर्ट मिला कि हम जिसके भी लिए भी हम सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगते थे तो अपने डिपार्टमेंट से हमको मेल पे सर्टिफिकेट्स भी मिलते थे जो हमारे पास में है और हम उनको कंटेंट दिखा के ये दवाई देते भी थे। तो धीरे धीरे लोगों का इस पे सर विश्वास आ गया है सर। और आज की डेट में जो लोग दवाई लेके गए पिछले 1 साल से मानो लेते होंगे, तो वो बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई मुझे तो इसी दवा से फायदा हुआ है, ये दवाई सही है, सस्ती है इसलिए खराब है, ऐसा मत सोचो, ऐसा कहने वाले है क्या आपके? जी सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए आपको आपको साल में 1-2 बार ऐसे आपके ग्राहकों का एक सम्मेलन करना चाहिए, छोटा सा सम्मेलन, और वो फिर बताएं लोगों को, ताकि क्या गरीब आदमी का फायदा हो। आइए आपके पास जो दवाई खरीदने के लिए आते हैं, ऐसा कोई सज्जन है जिससे मैं बात कर सकता हूं? जी सर यहाँ पे बैठे एक्चुअली 70% लोग हमारे केंद्र से ही दवाई लेते हैं और मेरे साथ में श्री किशोर भाई है। हाँ किशोर भाई, भाई नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मेरा नाम किशोर भाई शाह है, मैं सूरत से रहता हूँ। मेरे को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। मैं पहले बाहर से दवाइयाँ लेता था तो 2000 रुपये का खर्चा था, फिर ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दुकान खुली तो वहाँ से लेता हूँ तो 700 रुपये में आ जाती है, ऐसे मेरा 1300 रुपये की बचत होती है। मैं आप और आपके मंत्रिमंडल का सबका बहुत आभारी हूँ। अच्छा आपने किशोर भाई औरों को बताया क्या कि आपका इतना पैसा बच रहा है? बताते हैं। और कितने लोग आपके कारण गए होंगे पैसा बचाने का काम कर रहे हैं? काफी लोग जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्दी ठीक हो जाइए, भगवान करे आपकी दवाइयां लेनी ना पड़े। लेकिन हमारी कोशिश है कि गरीब आदमी को ये दवाई का जो बोझ आता है उसे बचाना है, इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ।